स्फीयर के अंदर चार्ज है और कैसे है सॉलिड स्फीयर के इनसाइड चार्ज। ये गलत बना हुआ है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं है, अंदर अंदर है, इसको क्रॉस कर लेना, ये गलत है, ऊपर नहीं है, मतलब लिख लेना चाहे नोट गंदा लगेगा, क्रॉस करना। चार्ज इज नॉट ऑन द सरफेस, चार्ज इज इनसाइड द सरफेस, सिर्फ अंदर है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस के ऊपर नहीं है, अंदर अंदर है बस, ठीक है, अंदर ही अंदर है। तो जब फिगर ड्रॉ करेंगे ये मत ड्रॉ करना प्लीज, ये मत करना ड्रॉ, सिर्फ अंदर अंदर ड्रॉ करना वॉल्यूम वाइज। नंबर वन, इसके ऊपर इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। मुझे ई कहाँ निकालना है, इस स्फीयर के, और ये नॉन कंडक्टिंग है, मैंने बोला था कंडक्टर के अंदर चार्ज होता ही नहीं, चार्ज कहाँ पर होगा, अगर चार्ज किसी भी बॉडी के वॉल्यूम के अंदर है तो वो कंडक्टिंग नहीं हो सकता, वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। तो नॉन कंडक्टिंग लिखा हुआ है और वॉल्यूम वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या यूज़ करते हैं, डेंसिटी रो। रो क्या होता है, कितना चार्ज अपॉन कितना वॉल्यूम है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो क्यू बाय वॉल्यूम आ गया, तो रो यूज़ करेंगे। क्या करना चाह रहे हैं, एक सॉलिड स्फीयर के बाहर ई निकालना है, सरफेस के ऊपर ई निकालना है, सरफेस के अंदर ई निकालना है, वही सेम। शुरू करें, पहला केस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कहाँ निकाल रहे हैं, किसी भी सॉलिड स्फीयर के बाहर ई निकाल रहे हैं, बाहर ई निकाल रहे हैं, बाहर ई निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, इस ये एक्चुअल स्फीयर है, ये एक्चुअल स्फीयर है, इसके यहाँ निकाल रहे हैं। तो टेक अ स्मॉल गॉशियन सरफेस, अब स्मॉलर डिस्टेंस ये भी है, 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 अंदर भी है, बाहर भी है, जब आप सारे सरफेसेस को मिलाएंगे राइट, तो क्या बनेगा, इमेजिनरी स्फीयर। जब सभी सरफेस को मिला देंगे तो क्या बनेगा, इमेजिनरी स्फीयर। कोई डाउट इसमें, सेम पुराना केस है, कुछ नया तो है ही नहीं। तो रूल नंबर वन, डी एस वेक्टर परपेंडिकुलर, जहाँ ई निकालना है प्लस वन, प्लस प्लस को रिपेल, तो ई और डी एस में एंगल कितना बोलो, जीरो। तो स्मॉल फ्लक्स क्या बनेगा इस सरफेस का, ई डी एस कॉस जीरो। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए दोनों की इंटीग्रेशन, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब किसकी, किसका फ्लक्स निकल रहा है, रेड सरफेस का, रेड सरफेस का रेडियस कितना है, छोटा आर, तो एरिया की जगह फोर पाई छोटा आर स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक, मैंने तो पेन भी चेंज नहीं किया, रेड है तो रेड ही यूज़ किया यहाँ पे, ताकि एरिया पता लगे कि रेड का है, ब्लैक का नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो फ्लक्स किसका निकला, गॉशियन सरफेस का, तो एरिया भी किसका लेंगे, गॉशियन सरफेस का, गॉशियन सरफेस का एरिया कितना है, फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, डन। कॉस कहता है ये करने की जरूरत क्या थी, मेरे से पूछो, ये क्लोज बॉडी है, इसके अंदर चार्ज कितना है। अब जब इसके अंदर की चार्ज की बारी आएगी, तो ये इसके अंदर का चार्ज है, देख रहे हो, ये इसके अंदर का चार्ज है, ऐसे ही है, और ये चार्ज है क्या, रो इनटू इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना है, फोर बाय थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब। ये पॉइंट समझ में आया, क्योंकि हमने जो चार्ज लिया बस वो इतना ही लिया, ये तो खाली हवा है, कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, तो चार्ज बस यहाँ पर है, और इसका चार्ज कैसे निकलेगा, रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका एरिया छोटा आर स्क्वायर, वॉल्यूम में बड़ा आर, राइट, क्योंकि चार्ज बड़े आर के अंदर पड़ा हुआ है, छोटे आर में नहीं पड़ा। क्लियर है यहाँ तक, दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर लो, इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फोर पाई से फोर पाई कैंसल, ई याद करो फॉर्मूला ई का, एक और क्या, एक मिनट में सॉलिड स्फीयर चीज़ें ऐसे निकल रही हैं, अब गई वो दिन, इधर वेक्टर उधर वेक्टर, वो लंबे लंबे कुछ नहीं, दो मिनट में ई आ गया, और देखो कितनी कॉम्प्लेक्स फिगर है, नॉर्मल इंटीग्रेशन तो मतलब पागल हो जाओगे करने में, इसको दो मिनट में आ गया। क्लियर है, अब ई की वैल्यू आ गई, केस नंबर टू, अगर मुझे सरफेस के ऊपर ई निकालना है, छोटे आर को बड़ा आर, सरफेस के ऊपर निकालना है, तो पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो जब आप स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करोगे, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर, याद करो फॉर्मूला, दो मिनट में हो गया। तो पहला केस क्या कह रहा है, हमें ई कहाँ निकालना है, सॉलिड स्फीयर के बाहर, दूसरा ई कहाँ निकालना है, सॉलिड स्फीयर के ऊपर,
तीसरा ई कहां निकालना है, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड। बोलो अंदर क्या आएगा ई की वैल्यू, जीरो नहीं आएगी। शेल के अंदर चार्ज नहीं था इसलिए जीरो, इसमें तो चार्ज है तो कुछ तो आएगी, निकालो। तो ये लो, अब इस केस में ये आपके सामने स्मॉल आर डिस्टेंस दूर गॉसियन सरफेस ऐसे बनेगा ना। अगर इनसाइड निकालना है, स्मॉल आर यहाँ निकालना है अंदर, तो गॉसियन सरफेस अंदर बनेगी। तो इसमें ये डी एस और ई हमेशा एंगल जीरो, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस जीरो। इंटीग्रेशन करेंगे ई इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सेम वही चीज़, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो एरिया की जगह भी क्या पुट करेंगे, फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। पहला काम क्या करना होता है, जहाँ ई निकालना है टेक अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का क्या निकलता है फ्लक्स, तो गॉसियन सरफेस का एरिया स्मॉल आर में है तो स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। अब गॉस क्या कहता है, ठीक है आप फ्लक्स निकालना चाहते हो मेरे से पूछो, इतना करने की जरूरत क्या थी, आप बताओ मेरे नाम की गॉसियन सरफेस कहाँ है, मैंने कहा ये रेड कलर की। तो वो कहता है ठीक है आप ये बताओ कि इसके अंदर कितना चार्ज है, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो गॉस थ्योरम लगाते हुए गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो बताना है। अब जो मैं देख रहा हूँ अंदर सिर्फ ये चार्ज है जो इसके अंदर आएगा, बस यही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बाहर गया तो गया। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, रो, रो का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मुझे कितने वॉल्यूम का चार्ज निकालना है, फोर पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि गॉसियन जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, और चार्ज इसके अंदर सिर्फ इतना ही होगा फोर पाई स्मॉल आर क्यूब। तो क्यू इनसाइड की जगह रो इंटू फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब, इसे और इसे क्या कर लेना है इक्वेट, इक्वेट आंसर जो आया आंसर। तो आप एक चीज नोट करें, यहाँ ना आर में कन्फ्यूजन बहुत होती है, फिर से देखो, जब मैंने ई की वैल्यू बाहर निकालनी थी और इसके फ्लक्स में क्या आया फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका फ्लक्स स्मॉल आर का ये रहा, राइट। और टोटल फ्लक्स जब गॉस थ्योरम लगती है तो फ्लक्स क्या होगा, जो भी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, अंदर कितना चार्ज है, रो इंटू फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब, फिर इक्वेट कर लिया आंसर। लेकिन जब मैंने इनसाइड निकाला तो गॉसियन सरफेस अंदर बन गई, यहाँ तक तो स्टेप सेम है, लेकिन अब जो चार्ज लेना है वो अंदर का लेना है, अंदर में वॉल्यूम कितना है फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब, ये स्टेप समझ में आया। देखो जब आपने बाहर ई निकाला था तो आपने ई डॉट डी एस में एरिया छोटा आर स्क्वायर लिया था क्योंकि रेड कलर का है, इसके अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ ये चार्ज है, इसका वॉल्यूम कितना है फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब, ये इक्वेट करके आंसर। जब आपने इसमें किया था गॉसियन सरफेस एरी तो एरिया सेम फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है तो इतना ही चार्ज है, इसका वॉल्यूम कितना है फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर नहीं यहाँ पर स्मॉल आर क्यूब, बस ठीक। तो आंसर आ गया, फिर मैंने रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया, जिसमें अगर आप बाहर स्मॉल आर पे ई निकालते हो तो ये फॉर्मूला करवाया, सरफेस के ऊपर स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करो ये फॉर्मूला, इनसाइड में ये फॉर्मूला, तीनों रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। बाय चांस रिजल्ट भूल गए, रो क्या होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि क्यू चार्ज है कितने वॉल्यूम के ऊपर है फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर, तो रो की जगह वैल्यू पुट कर लो, कैंसिल करोगे मजे की बात है आंसर फिर सेम। तो सॉलिड स्फीयर का आंसर भी पॉइंट चार्ज वाला, शेल का भी आंसर पॉइंट चार्ज वाला, क्या कमाल के रिजल्ट्स हैं, आंसर वही आएगा हर में नहीं आएगा भाई, ये स्फीयर और शेल में ही आएगा, सेंटर सुंडर में नहीं आता ये, क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज़ क्लियर है, ऐसे इसमें रो कीजिएगा क्यू बाई फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब, आंसर सेम वही, स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो सेम, और अगर इनसाइड है तो कुछ मत पुट करना रो को, ऐसे ही रहेगा, इसमें नहीं पुट करना होता। तो आखिर फॉर्मूला याद हो गए, मतलब आप ये भी यूज़ कर सकते हो ये भी यूज, तो दोनों फॉर्मूले पता, देखो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो याद करना पड़ेगा। तो अगर आप इसका रिजल्ट प्लॉट करते हो, आप एक चीज़ नोट करो, अगर आप बाहर हो आउटसाइड हो स्फीयर के तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, अगर आप इनसाइड हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ग्राफ समझ में आया,
स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब इनसाइड हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, आउटसाइड हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, शेल का भी और सॉलिड स्फीयर का भी।